स्कूल चले हम अभियान अंतर्गत प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए क्षेत्रीय विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल किया बच्चों का सम्मान, स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर रूम का किया उद्घाटन, वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। तेंदुखेड़ा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल अध्यक्षता में स्कूल चले हम अभियान के तहत पीएम श्री शासकीय राघव कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुहानी में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने माँ सरस्वती का पूजन अर्चन कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत में विद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना और स्वागत गीत की प्रस्तुत की गई। विद्यालय के और शिक्षकों द्वारा विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल और अन्य अतिथियों का शॉल श्रीफल फूल माला के साथ स्वागत सत्कार किया। कार्यक्रम में विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल, अन्य जनप्रतिनिधि राव और वीरेंद्र सिंह, जिला पंचायत सदस्य धनंजय पटेल, जिला उपाध्यक्ष हरि प्रताप सिंह ममार, रमाकांत शर्मा, गिरधारी लाल वर्मा, मंडल अध्यक्ष प्रताप सिंह पटेल, राजकुमार रघुवंशी, मंडल अध्यक्ष मनोज शर्मा, राव शैलेश सिंह कौरव द्वारा छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर पुष्पहार से स्वागत कर शासन द्वारा प्रदत्त निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया। कार्यक्रम में राजेश सेन बीआरसी द्वारा मुख्यमंत्री का प्रवेश उत्सव संदेश का वाचन किया। विधायक श्री पटेल द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए संदेश का भी वितरण किया। उन्होंने नवीन शिक्षण सत्र की सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को शुभकामना दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्री पटेल ने कहा, आज का दिन मेरे लिए महत्वपूर्ण और गौरव का है क्योंकि मेरा अध्ययन भी इसी शासकीय राघव कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुहानी से हुआ। इस विद्यालय से मेरा पुराना नाता है, मुझे इस विद्यालय के विकास का अवसर मिला। विधायक श्री पटेल ने विद्यालय के 5वीं से 12वीं कक्षा उत्कृष्ट परिणाम वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। विधायक श्री पटेल ने 256 एकड़ जमीन के दानवीर चौधरी राघव सिंह का भी जिक्र किया। समूचे मध्य प्रदेश की पूरी शालाओं में प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी सभी शालाओं में स्कूल चले अभियान 2024-25 का प्रवेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित है। सभी शालाओं में 3 दिवस का यह आयोजन 18 जून 19 स्कूल में पढ़ा पहले स्कूल क्या था, आज क्या है, पता है बाद में बोलूंगा। मैं स्वर्गीय चौधरी राघव सिंह जी को भी उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। कहते दानवीर थे, चाहे मध्य प्रदेश में ऐसा कोई दानवीर नहीं होगा जितना 256 एकड़ जमीन धान में दी। उनका नाम हमेशा हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ये प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में हमारा गांव में रहने वाला किसी परिवार का कोई भी बेटा शिक्षा से वंचित ना रहे। स्कूल चलो अभियान के तहत हमारे शिक्षकगण या शरीर हैं उन्हें शिक्षा शिक्षकों के साथ साथ परिवार, गांव के समाज के लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम बच्चों को स्कूल की तरफ भेजने का प्रयास करें। इससे हमारी नौजवान बिना शिक्षा के ना रह पाए, उसका ध्यान अधूरा ना रहे। सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि कम से कम पूरे प्रदेश में लोग अभियान के तहत स्कूल में जाना करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में उनको प्राप्त होगा। सरकारी जो स्कूल हैं उन्हें अच्छे से अच्छे स्तर तक उठाया जाए और प्राइवेट स्कूलों में जो मनमानी चल रही है उसको लेकर भी जिले में। देखिए ये प्रदेश सरकार का मामला है, अभी आपने देखा होगा प्राइवेटों में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। सरकार इसकी तरफ पूरा ध्यान दे रही है तो पूरे प्रदेश में भी कार्रवाई हो सकती है। देखिए मैंने चर्चा की है, इसकी शुरुआत कर रहे हैं हम, जो ने चाह सफलता मिलेगी और यहाँ के महाविद्यालय ये 256 एकड़ जमीन हमारे दानदाता स्वर्गीय स्वर्गीय राघव सिंह जी और दानवीर उन्होंने 256 एकड़ जमीन दान दी थी। आप देख रहे होंगे आज लोग खेत की मेहनत लगाई गए थे, दानवीर ने 256 एकड़ जमीन दी। उनका उद्देश्य था इस क्षेत्र की हमारे नौजवान पीढ़ी यहाँ शिक्षा ग्रहण करेगी, स्कूल बनेगा, हॉस्टल चलेगा, क्षेत्र का विकास होगा, नए नए आयाम आएंगे यहाँ। आज हम देख रहे हैं कि बातों में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों का सुधारने का हम प्रयास करेंगे और इस स्कूल को हम जितना अच्छे से अच्छा बना सकते हैं उसका बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। उसमें गांव के हमारे लोग भी सहयोग करेंगे, चाहे घर के लोग भी सहयोग करेंगे, अधिकारियों को भी बातचीत की है, अभी बात कर रहे हैं अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। खबर भारतवर्ष के लिए गाडरवारा नरसिंहपुर से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।